वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम असीम कुमार मंडल एज अ मैथमेटिक्स टीचर रिप्रेजेंटिंग शांतिपनी हायर सेकेंडरी स्कूल राजोदा। स्टूडेंट, टुडे वी टेकिंग द एक्सरसाइज नंबर 2.5 ऑफ चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन? यूज सूटेबल आइडेंटिटी। स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे होंगे एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 10, दैट मीन्स अगर जो मैं सिंपल वे में इसको मल्टीप्लाई करूं तो एक्स विल बी मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 10, देन 4 विल बी मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 10। एक्स दैट मीन्स एक्स स्क्वेयर प्लस 10x प्लस 4x प्लस 40 एंड फाइनली एक्स स्क्वायर 10 प्लस 4 विल बी इक्वल ऑफ 14x प्लस 40। स्टूडेंट, ये जो मैंने बोर्ड पे करा है दैट इज़ अ मल्टीप्लीकेशन मेथड। मैं इसमें कहीं पे भी आइडेंटिटी वर्ड यूज़ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। ये एक लॉन्ग मेथड है, बाय यूज़ ऑफ द आइडेंटिटी दैट मीन्स अ शॉर्टकट मेथड। एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 10, वी गेटिंग एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। नाउ By use of the identity x plus 4, x plus 10, identity x plus a, x plus b, where we can write a will be equal of 4 and b will be equal of 10. Student, ध्यान से देखेंगे, ठीक है, solution आएगा x square plus a plus b, a that means 4, b that means 10, multiply x 4 into 10. एक्स स्क्वेयर प्लस 4 प्लस 10 दैट मीन्स अ 14x एंड 4 इंटू 10 विल बी इक्वल ऑफ 40। आई होप यू गेटिंग द प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। हमको कहीं ना कहीं आइडेंटिटी ही यूज़ करनी है। नाउ वी टेकिंग द अनदर क्वेश्चन, एक्स प्लस 8, एक्स माइनस 8। ध्यान से देखिए, इन द केस ऑफ द आइडेंटिटी वी हैव द प्लस साइन, बट इन दिस क्वेश्चन वी हैव माइनस साइन इन द सेकेंड ब्रैकेट। सो मैं इसको कहीं ना कहीं एक्स प्लस माइनस 10 लिख सकता हूँ, ठीक है। मैंने कंपेयर करा एक्स प्लस ए एक्स प्लस सी से, तो ए विल बी इक्वल ए बी विल बी इक्वल ऑफ माइनस 10, सच दैट एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी दैट मीन्स 8 प्लस माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू माइनस 10। स्टूडेंट, एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस, धीरे देखते हैं, ठीक है, आराम से देखिएगा, ठीक है, इंटू माइनस 80। सो प्लस माइनस माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 80। आई होप यू गेटिंग द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड बाय यूज ऑफ द आइडेंटिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन 3x प्लस 4 एंड 3x प्लस माइनस 5, ठीक है। स्टूडेंट, वी हैव द आइडेंटिटी x प्लस ए x प्लस बी, x प्लस ए x प्लस बी विल बी इक्वल एक्स स्क्वेयर प्लस ए बी इंटू एक्स प्लस ए डॉट बी, वेयर ए विल बी इक्वल 4, b will be equal minus 5 and x will be equal of 3x। स्टूडेंट, जरा ध्यान से देखेंगे, x की प्लेस पे मैं लिख रहा हूँ 3x होल स्क्वायर, देन a प्लस बी, ए दैट मीन्स 4 माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू माइनस 5। नाउ 3 जा 9x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 में से 4 को माइनस करूँगा तो माइनस 1 एंड फाइनली माइनस 20। सोल्यूशन विल बी माइनस एक्स माइनस 20। स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे, हमने ये क्वेश्चन लिया है, ये तीनों क्वेश्चन जो है ये मल्टीप्लिकेशन के हैं। काहे के स्टूडेंट? मल्टीप्लिकेशन, बट वी हैव टू यूज़ आइडेंटिटी बिकॉज द डिमांड ऑफ क्वेश्चन यूज सुटेबल आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी दैट मीन्स एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी विल बी इक्वल एक्स स्क्वेयर प्लस ए बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ए और बी की जगह पर वैल्यूज को पुट किया। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अगेन डायरेक्टली मल्टीप्लाई नॉट अलाउड बिटवीन द 103 एंड 107, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई यूज ऑफ द सुटेबल आइडेंटिटी। स्टूडेंट, 103 इंटू 107 बोथ आर द कॉमन नंबर 100, मे बी रिटर्न इन द फॉर्म 100 प्लस 3 एंड 100 प्लस 7। स्टूडेंट, वी नो दैट द आइडेंटिटी अबाउट एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी विल बी इक्वल एक्स स्क्वेयर
प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए डॉट बी. हियर इन द प्लेस ऑफ एक्स विल बी इक्वल ऑफ 100, इन द प्लेस ऑफ ए विल बी इक्वल ऑफ 3, इन द प्लेस ऑफ बी विल बी इक्वल ऑफ 7. सो वी कैन रिटर्न इन द फॉर्म 100 होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी दैट मीन्स 3 प्लस 7 इंटू एक्स एक्स दैट मीन्स 100 अगेन 3 डॉट ए डॉट बी दैट मीन्स 3 इंटू 7. स्टूडेंट 100 होल स्क्वायर दैट मीन्स 2 जीरोस विल बी इक्वल 4 जीरो कन्वर्ट इंटू 4 जीरो. 3 प्लस 7 विल बी इक्वल ऑफ 10, 10 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 7 विल बी इक्वल ऑफ 21. सो 1 2 3 4 1 2 3 and 21. स्टूडेंट 1 2 3 4 देन 1 2 3 and 1 एंड फाइनली 21 विल बी इक्वल 1 1 0 2 1. सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन 11021. स्टूडेंट वन मोर टाइम 103 मल्टीप्लाई बाय 107. द डिमांड ऑफ क्वेश्चन डोंट यूज डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन मेथड, यूज द सिंगल आइडेंटिटी. नेक्स्ट 103 into 105. सिंपल क्वेश्चन 100 प्लस 3 विल बी मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 5. हियर द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस सिंपली here is 7, here is 5. So we taking the identity x plus a into x plus b will be equal of x square plus a plus b dot x plus a dot b, where x will be equal of 100, a will be equal of 3 and b will be equal of 5. We putting the values of the x, a and b in the place of identity. X that means 100 whole square plus a plus b that means 3 plus 5 into x that means 100 plus 3 into 5. 100 whole square will be converted into 10,000 plus 3 plus 5 will be equal of 800 plus 15, that means 1 0 8 15 required solution. I hope you getting the proper solution of the question number first and second. Student, we taking the question number 3 of the exercise number 2.5 of the class 9th mathematics. Student, third question, 9x square plus 6xy plus y square factorized by use of the identity. We know that a square plus 2ab plus b square will be equal of a plus b whole square. We know that. Student, जिस बड़े ज़रा ध्यान से देखेंगे, मिड वाला टर्म पॉजिटिव है तो मैंने पॉजिटिव आइडेंटिटी यूज़ करी, सेकंड वाले में नेगेटिव रहेगा तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर विल बी इक्वल ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वेयर. आप समझ रहे हैं आपको किस आइडेंटिटी सिलेक्ट करनी है नाउ. ठीक है, ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट. ठीक है, ए स्क्वेयर दैट मीन्स अगर जो मैं इसको 3x होल स्क्वेयर लिख दूँ, 3 3 9 दैट मीन्स मैं ए स्क्वेयर बना सकता हूँ. बी स्क्वेयर दैट मीन्स वाई स्क्वेयर. सो बीच वाली टर्म यहाँ पर आना चाहिए प्लस 2a, a दैट मीन्स 3x एंड b दैट मीन्स वाई. जरा ध्यान से देख लीजिए, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 3 3 9, 3 2 6 एक्स वाई एंड वाई स्क्वेयर. दैट मीन्स मैं कहीं ना कहीं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, वेयर ए विल बी इक्वल ऑफ 3x, बी विल बी इक्वल ऑफ वाई, सच दैट वी कैन राइट ए प्लस बी होल स्क्वेयर. ए प्लस बी होल स्क्वेयर दैट मीन्स ए एंड प्लस बी होल स्क्वेयर. आई होप स्टूडेंट यू गेटिंग द प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ वी टेकिंग द अनदर क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. 4y square minus 4y plus 1, due to negative sign we take the identity minus 2ab. अब इसको इसके जैसा बनाने की कोशिश करेंगे. ठीक है, a square that means 2y whole square, you know that 2 2 4 plus y square that means 1 whole square minus 2ab.
स्टूडेंट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी, कहीं ना कहीं ये इस फॉर्म में मिल रहा है, वेयर ए विल बी इक्वल ऑफ टू वाई एंड बी विल बी इक्वल ऑफ वन, सच दैट वी कैन राइट इन द फॉर्म ए माइनस बी होल स्क्वेयर टू वाई माइनस वन होल स्क्वेयर। आई होप यू गेटिंग द प्रॉपर सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अगेन नाउ वी मूविंग विद द थर्ड क्वेश्चन, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर विल बी इक्वल ऑफ हंड्रेड। स्टूडेंट फोकस, ठीक है, इन दिस क्वेश्चन बोथ आर द डिफरेंट क्वेश्चन, ये तीन टर्म में थे और ये काय में है दो टर्म में, और हमको कहीं ना कहीं आइडेंटिटी पता है, वी नो दैट द आइडेंटिटी अबाउट द ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर विल बी इक्वल ऑफ ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, दैट मीन्स मुझे कहीं ना कहीं इस फॉर्म में क्रिएट करना है। सो वी कैन राइट एक्स स्क्वेयर माइनस वाई बाई टेन होल स्क्वेयर वेयर ए will be equal of x and b will be equal of y by 10, so we can write a minus b, that means x y by 10 x plus y by 10. I hope you getting the all solutions of the question number third. Student, now we taking the question number fourth. By use of the identity x plus 2y plus 4z whole square, we used a plus b plus c होल स्क्वेयर विल बी इक्वल ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, वेयर ए विल बी इक्वल ऑफ एक्स, बी विल बी इक्वल ऑफ टू वाई एंड सी विल बी इक्वल ऑफ फोर जेड, सच दैट ए स्क्वेयर दैट मीन्स एक्स स्क्वेयर प्लस टू वाई होल स्क्वेयर प्लस फोर जेड होल स्क्वेयर प्लस टू ए बी टू एक्स एंड बी दैट मीन्स 2y प्लस 2bc, c दैट मीन्स 4z प्लस 2ca 4z इंटू एक्स। स्टूडेंट एक्स स्क्वेयर प्लस 2 जा 4, 4 जा 16 प्लस 2 जा 4xy, 2 जा 4, 4 जा 16yz प्लस 4 जा 8zx। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर 2x plus y plus z, but we use the identity a plus b plus c whole square will be equal of a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca, where a equal to 2x, b equal to minus y, c equal to z। Student ध्यान से देखेंगे, ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला पॉजिटिव है बट हमारी टर्म कैसी है, नेगेटिव, तो हम नेगेटिव y ले रहे हैं, a दैट मीन्स 2x होल स्क्वेयर प्लस माइनस y होल स्क्वेयर प्लस, ठीक है, z दैट मीन्स a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस c स्क्वेयर प्लस 2ab 2x इंटू y प्लस 2bc एंड फाइनली 2c, और यहाँ पर कितना मिल रहा है स्टूडेंट 2x। नाउ 2 जा 4 माइनस दैट मीन्स प्लस प्लस जेड स्क्वेयर 2 जा 4 बट माइनस 4xy प्लस माइनस माइनस 2yz एंड 2 जा 4 दैट मीन्स 4zx। आई होप स्टूडेंट यू गेटिंग द प्रॉपर सॉल्यूशन। ये जो दोनों क्वेश्चन है सिमिलर क्वेश्चन है, बट आपको यहाँ पर पता है यहाँ पर सारी टर्म पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव है, तो नेगेटिव है बट हमने उसको कंपेयर करा पॉजिटिव फॉर्मूले से, सो बी विल बी इक्वल ऑफ माइनस वाई। स्टूडेंट नाउ वी टेकिंग द क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ द एक्सरसाइज नंबर 2.5। 2x प्लस वाई होल क्यूब, वी कंपेयर विद द फॉर्मूला ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर, वेयर a will be equal of 2x and b will be equal of 1। बिल्कुल ईजी है बेटा जी, ये फॉर्मूला a plus b whole cube, यहाँ पर a की पोजिशन पर 2x और b की पोजिशन पर कितना दिख रहा 1, सो a cube that means 2x whole cube plus यहाँ पर हो चुका है 1 cube plus 3 2x whole square into 1 plus 3 2x into 1। स्टूडेंट 2 टू द पावर 3 दैट मीन्स 8x क्यूब देन 1 देन यहाँ पर कितना 2 जा 4 4 3 जा 12x स्क्वेयर 3 जा 6x, अरेंज पावर 3 देन पावर 2
then power 1, then single term. Now student, we getting the another question 2a minus 3b. That means x minus y whole cube will be equal of x cube plus y cube minus 3 x square y. ठीक है, ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट. ठीक है, प्लस 3xy square. अब आपको मैं एक तरीका बताता हूँ, आप यहाँ पर माइनस प्लस में काफ़ी मिस्टेक करेंगे. देखिए ये माइनस y है, ठीक है, जहाँ पर y की पावर इवन है, ठीक है, वहाँ पर प्लस आएगा, और जहाँ पर y की पावर ओड है वहाँ पर क्या आएगा, माइनस. नाउ ठीक है, x विल बी इक्वल ऑफ 2a एंड y विल बी इक्वल ऑफ 3b, सच दैट x क्यूब, दैट मीन्स अ 2a होल क्यूब प्लस 3b होल क्यूब माइनस 3 2a स्क्वायर इंटू 3b प्लस 3x विल बी इक्वल ऑफ 2a एंड y विल बी इक्वल ऑफ 3b. बी केयरफुल, 2 टू द पावर 3 दैट मीन्स अ 8a क्यूब, 3 टू द पावर 3 दैट मीन्स अ 27b क्यूब. स्टूडेंट 2 टू जा 4 एंड 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 ए स्क्वेयर बी, एंड फाइनली 3 3 जा 9 3 2 जा 6 54 ए एंड बी स्क्वेयर. वन मोर टाइम, हियर क्वेश्चन इज 2a माइनस 3b होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, a एंड b क्वेश्चन में लिखा हो, तो हमने x माइनस वाई होल क्यूब लिख लिया, a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर, वेयर x will be equal of 2a and y will be equal of 3b. तो हमने x और y की जगह पर वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया सिंपली. 2 टू द पावर 3 दैट मींस 2 इंटू 2 इंटू 2 विल बी इक्वल ऑफ 8, 3 इंटू 3 इंटू 3 विल बी इक्वल ऑफ 27, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, फाइनली 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, 6 9 जा 54. आई होप स्टूडेंट यू गेटिंग द प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब चैनल ऑफ शांतिवनी हायर सेकेंडरी स्कूल राजोदा.